स्वामी जी अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप की बात कर रहे थे और बाह्य चरित्र की बात कर रहे थे। बाह्य चरित्र 5 महाव्रत पर आधारित है, बहुत कठिन प्रोसेस है और व्यक्ति को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है बाह्य दृष्टि से। तो इतना बड़ा जो है वह कहना चाहिए कष्ट सहिष्णुता करके, और फिर भी वो समझते हैं कि मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि वह उदय और प्रारब्ध का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, उदय प्रारब्ध में उनको चरित्र आ गया। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति अगर वह केंद्र में आत्मा को रखे और वह जो है कर्ता भाव न रखे, अकर्ता निमित्त निर्दोष और शुद्ध आत्मा और सनातन सत्य का पालन करे, चाहे वो व्यक्तिगत साधना करके करे या वो अपने एकांत साधना किसी भी दृष्टि से करे, तो वह तो उसको प्योरली समय मिल रहा है, वातावरण मिल रहा है, संयोग मिल रहे है, तो वो मेरे हिसाब से तो ज्यादा कारगर उपयोगी है। तो अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है कि जो चरित्र ले चुका है वो अगर सनातन सत्य का पालन करता है तो वह और ज्यादा बेटर होना चाहिए या नहीं है, वो सामान्य की दृष्टि से, ग्रस्त की दृष्टि से जो सारा ग्रस्त के काम करता है, ये मैं खाली समझना चाहता हूं, बात को कंपेयर करना चाहता हूं कि हम कितने पानी में है। यस, तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान दर्शन जो सम्यक होता है और सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग और अनुभूति, ये कोई बाह्य दिखने वाली चीज नहीं है। जैसे भगवान महावीर को अगर केवल ज्ञान हो गया और वो तीर्थंकर थे, मगर जब रास्ते पर जाएंगे तो आम लोग मालूम नहीं होगा कि तीर्थंकर भी है और केवल ज्ञान ही है, क्योंकि ये बाह्याचार की बात ही नहीं है, ये अंदर की अनुभूति की बात है और अंदर का स्टेटस है, बाहर का स्टेटस नहीं। कोई राजा जाएगा तो बाहर का स्टेटस होगा, तीर्थंकर का अंदर का स्टेटस होता है, बाहर का नहीं होता है, यानी दिखने वाला नहीं है। भले ही देवी देवता उनकी सेवा भले करेंगे, मगर ऐसे आम जनता को वो दिखता नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे महान पुरुषों का जो चरित्र होता है, जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उसका बाह्य चरित्र कुछ कर्मों के मुताबिक हो सकता है, मगर उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती उनके लिए, हमारे लिए आम जनता के लिए हो सकती है। उनके लिए तो आंतरिक चरित्र जो है अनुभूति का, ज्ञान और दर्शन की अनुभूति, ये उनके लिए मायने रखता है, ये उनके लिए वैल्यू है। तो आम जनता की जो दृष्टि होती है और आध्यात्मिक पुरुषों की जो दृष्टि होती है, अनुभवी पुरुषों की जो दृष्टि होती है, जो रिलेटिव सत्य से बियॉन्ड जीते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ को ध्यान में रख के उनका पुरुषार्थ और जीवन होता है, जो सनातन सत्य को ध्यान में रख के उसका जीवन होता है, जो कुदरत कुदरती कानून और कुदरती रचना को लक्ष्य में रख के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे महापुरुषों को अपने जीवन में चारित्र की जो अनुभूति होती है इतने हाई लेवल की होती है कि आम जनता इसको बाहर से देख नहीं पाती है। मगर मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर ज्ञान की डीपनेस कितनी है, बाहर नहीं दिखेगी। अगर मरणांत संकट भी आएंगे उसको, ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुषों को, तो भी उसका ज्ञान दर्शन विचलित नहीं होगा। सब संपत्ति कोई ले जाएगा तो भी उसका ज्ञान दर्शन विचलित नहीं होगा। लोग उनके जीवन के ऊपर चारित्र का न होना या तो खराब चारित्र वाला होना ऐसा आरोप लगाएंगे तो भी उनके ज्ञान दर्शन से असर नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग जो भी बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट टू प्रकृति, सब्जेक्ट टू मन वचन काया की बात करते हैं, और मेरा ज्ञान दर्शन मन वचन काया से मुक्त रहना है तो वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। यानी हम अगर कंक्लूजन करें तो जन्म से मौत तक या तो ज्ञान दशा प्राप्त होने से उनके अंतिम समय तक
जो जो संजोग आते हैं सामाजिक धार्मिक जो भी सोशल लाइफ में आता है, उनकी असर उनके ज्ञान दर्शन को नहीं होती है, क्योंकि उससे वो अलिप्त रहते हैं और इसीलिए उनके पास इतना आत्मविश्वास का जो पावर होता है कि दुनिया की बाह्य अवस्था इसको हिला नहीं सकती है और अपने ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। शरीर को मिटा सकते हैं कोई भी, मगर ज्ञान दर्शन जो शाश्वत है इसको मिटा नहीं सकते हैं। और शरीर को मिटाने से उसका कोई मतलब नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कहेंगे यही कुदरती रचना है, मैं तो शरीर हूं नहीं, और अगर कर्म बाकी है तो कुदरत मेरे को नया शरीर देंगे, तो उसमें कोई लाभ नुकसान की बात नहीं है। तो आप समझो कितने लेवल का उसका ज्ञान दर्शन होगा, ताकि मरणांत संकट में भी शरीर के साथ सब कुछ गंवाने के बाद भी, नाम स्टेटस सब कुछ गंवाने के बाद भी उसके ज्ञान दर्शन में असर नहीं होती है। ये लेवल ऑफ इज एक्सपीरियंस है, ये दशा है। हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं रिलेटिव शक्ति की। तो हमारा ज्ञान दर्शन क्या है और उनका ज्ञान दर्शन क्या है, आप समझ सकते हो कि कितना डिस्टेंट है। तो ये अनुभूति की बात है और इसीलिए बाह्य वातावरण में या पांच इंद्रियों के स्थूल अनुभव में ये बात, ये चारित्र की बात नहीं आती है, उनकी गहराई भी समझ में नहीं आती है। ये खुद अनुभव करोगे तो मालूम होगा, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर आरोप लगाया सबके सामने कि आपने ये गलत किया है, हालांकि आपने व्यवहार से नहीं भी किया हो मगर आरोप किया। अभी आपको सिद्ध करना है कि मैंने गलत किया है या नहीं किया है। ऐसे आरोप में कभी कभी लोगों को लगता है कि हमको हम अभी व्यवहार जीवन में कैसे जी सकेंगे, ऐसे आरोप से लोग हमको क्या देखेंगे। मगर नहीं, आत्मविश्वास वाले और आत्मज्ञान में आगे बढ़ने वाले और सनातन सत्य के सिद्धांत को दृष्टि में लक्ष्य में रख के जीने वाले को ऐसे संजोगों की असर नहीं होती है। और जब उनको असर नहीं होती है, उसकी असर कहने वाले के ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मकसद था आपके कैरेक्टर के माध्यम से आपको गिराना। अगर आप विचलित नहीं हुए तो उनकी उसको नेगेटिव इफेक्ट होगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, तो उनको नेगेटिव इफेक्ट होगी। तो इतना पावर ये यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस में है, बिना कुछ किए उनको असर होती है, वो कुछ करते नहीं है मगर कुछ नहीं होता है उसकी इफेक्ट होती है उसको। तो कैरेक्टर की बात, ज्ञान के अनुभव के कैरेक्टर का तो वो हाई लेवल की बात है, इसमें बिना से चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, मिलना जुलना आना जाना कोई वैल्यू नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब कोई वैल्यू नहीं है, जन्म जीवन मृत्यु कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सब ऑटोमोड है, कुदरती रचना है, उसमें डीप में कहाँ जाएंगे, दुनिया को जो कहना है वो कहते रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो रिलेटिव सत्य का विजन है तो वही कहेंगे और उनसे कोई कंसर्न नहीं होता है। और इसीलिए ऐसे महान पुरुष वास्तव में अपने ज्ञान दर्शन के पावर से ही एक दिन सभी प्रकार का अज्ञान मिटा के केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान का बीज प्राप्त करके नेक्स्ट मनुष्य भव में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए आइए हम सब यही आध्यात्मिक विज्ञान की बातें और गौर दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन सत्य की बहुत स्पष्ट भेद रेखा है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो अवस्था है, वो विनाशी है, आती है जाती है, आती रहेगी जीवन भर, क्या कई जन्मों तक ही आती रहेगी, जब तक कि कर्म है कौज पढ़ते रहेंगे बनते रहेंगे, उसमें उसका पालन चाहे पांच महाव्रती करे गृहस्थी करे। लेकिन प्रश्न यह है कि हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का उपयोग हमारे संजोगों के अंदर कैसे करते हैं और उसके अंदर किस तरीके से हम संतुलन बिठा करके और मैच्योरिटी को लाते हैं, वो मुख्य बात होती है, वही मुक्ति का मार्ग होता है। तो इस सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, इसके अंदर कोई इधर उधर झांकने की या कोई घालमेल करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।